और भी नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे इस बेल आइकन को ही दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अक्रम मॉडिफिकेशंस। तो फ्रेंड, आज की वीडियो का टॉपिक हमारा किक के ऊपर होने वाला है। और अगर आपके बाइक में किक की प्रॉब्लम है, यानी किक लूजिंग की प्रॉब्लम है आपके बाइक में, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो शुरू से लेकर लास्ट की वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए। तो फ्रेंड, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो किक को मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ तो ये पूरा कवर नहीं कर रही अपने एरिया को। तो ये देखिए, जहाँ मैं पैर रखता हूँ तो ये बीच में अड़ती है। कई बार किक मारने के बाद तो ये बीच में अड़ती है, जिसकी वजह से किक सही नहीं लग पाती और बैलेंस नहीं बन पाता बाइक का, तो गिरने का चांस रहता हमारा। तो ये देखिए, जो इसको मैं छोड़ता हूँ तो ये यहीं पर रुक जाती है, जिसका रीज़न है ये। तो ये देखिए, गुट का कह लीजिए या इसकी सॉकेट कह लीजिए या इसका एक पार्ट कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए। तो ये देखिए, ये जो चीज़ है ना, तो ये पूरी घस चुकी है बिल्कुल, और ये बिल्कुल रफ़ हो चुका है, जिसकी वजह से ये देखिए, ये लूजिंग की प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो अगर इस आपके बाइक में यही लूजिंग की प्रॉब्लम है, किक की यही प्रॉब्लम है, तो इसके अंदर हम इसका ये पार्ट लगाने वाले हैं, खोल के नया लगाने वाले हैं बिल्कुल। तो इसको खोलना सबसे पहले आप, जो कि आपके 8 नंबर की के साथ खुल जाएगा, यानी चाबी है आपके पास या की है या टी है, उसके साथ ये खुल जाएगा। तो इसको नहीं खोलना आपने बिल्कुल भी, इसे ही खोलना है एक नट को, ताकि ये बाहर आ जाए आसानी से। और इसको खोलने के बाद आपने सीधा इसको बाहर ऐसे इस टाइप से निकाल लेना है। तो चलिए एक बार मैं निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने क्या करना है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको बाहर निकाल लिया। वो नट जो 8 नंबर का था, मैंने उसे खोल लिया है। तो देख सकते हैं आप, इसके अंदर जो हमारा एक पॉइंट दिया होता है, यानी इस टाइप से यहाँ पे एक वो दी होती है, गोली दी होती है जो कि लोहे की होती है, तो वो नहीं है इसके अंदर, इसी वजह से ये लूजिंग दिखा रहा था काफ़ी। तो इसको खोलने के लिए यहाँ एक लॉक लगा हुआ, वो लॉक को मैंने पहले ही हटा लिया। तो चलिए एक बार मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो इस टाइप से इसको आपने बाहर निकाल लेना है, कोई भी इसकी चीज़ ऊपर मारी है तो ये बाहर निकल जाएगा। पहले आपने लॉक खोलना है, इसके ऊपर लॉक लगा होता है, वो मैंने खोल लिया पहले ही। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको बाहर निकाल लिया, और ये जो ये देखिए, इसके साथ ये इसी चीज़ को हमने चेंज करना है। तो यही प्रॉब्लम दे रहा था, इसको हम रखते हैं साइड में, और इसको एक बार देख लीजिए आप, इसकी हालत देख लीजिए पहले आप सबसे पहले। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल ख़राब हो चुका है, और यही तो हमारे लूजिंग दिखा रहा था उसमें। तो अगर ये हम चेंज नहीं करेंगे तो हमारे गिरने का डर रहेगा, क्योंकि हमारी जो किक है वो हमारे पैर में उलझ सकती है, जिसकी वजह से हम गिर सकते हैं। तो ये देखिए, किक हमारी बिल्कुल ओके पड़ी है अभी तक, तो थोड़ी बहुत लूजिंग है लेकिन इतनी चल जाएगी, लेकिन हम जब नया पार्ट लगाएंगे तो बिल्कुल ओके हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं, सबसे पहले आपने इनको साफ़ करना है अच्छे से दोनों को, उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया, और सबसे पहले आपने क्या करना है, जो उसके साथ सामान मिलता है आपको, तो उसको आपने रखना है, सॉरी, उसको आपने रखना है। ये देखिए, जो हमारा स्प्रिंग दिया होता है, इसको आपने इसके अंदर ही रखना है। ये देखिए, इस टाइप से ये हमारा स्प्रिंग हो गया, और स्प्रिंग को आपने कहाँ रखना है, इस होल के अंदर रखना है। होल आप देख सकते हैं, आपकी किक के अंदर भी होगा, इस टाइप से होल को रखना है। और उसके साथ हमको दी होती है गोली, दी होती है, सॉरी, गोली कह लीजिए, उसका पार्ट कह लीजिए आप, देखिए वो गोल सी है पूरी बिल्कुल। तो इसको यहाँ पे रखेंगे हम सबसे पहले, और उसके बाद रखेंगे हम ये देखिए गोली। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं, और ये यहीं पे आएगी आपके किक में भी। तो इसको अच्छे से आप होल्ड कीजिए, और होल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, जो पार्ट हमारा, जो नया पार्ट है, ये देखिए, ये हमारा नया पार्ट है, इसको आपने यहाँ रखना है इस टाइप से, इसके अंदर पूरा फिट। तो इस टाइप से रख के आपने इसको अच्छे से दबाना है, और इसका जो नीचे वाला वो जो दिया था हमने, जो कि एक नट नट के टाइप का था, ये देखिए, इसको अपने इसके अंदर फंसाना है। तो इसको फंसाने पहले अच्छे से, और उसके बाद अच्छे से प्रेस करके आप इसको पूरा अच्छे से एकदम फिट हो जाएगा, ये देखिए इस टाइप से। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक वॉशर लगानी है, जो कि इसके साथ ही दी होगी, उसके बाद दिया होगा एक लॉक, वो भी आपने अच्छे से लगाना है। तो ये देख सकते हैं, अगर ये पॉइंट इसके अंदर लगाना है आपने, आप चाहे तो इसके अंदर भी लगा सकते हैं। देखिए, जो गोली हमारी, जो स्प्रिंग, इसको अंदर की तरफ प्रेस करेगा, और ये देखिए अच्छे से लग जाएगी बिल्कुल। तो इस टाइप से ये होल्ड करेगी अपने को, तो ये बीच में नहीं अड़ेगी। तो आपने सबसे पहले इसको लॉक करना है, लॉक करने के लिए एक वॉशर दी होगी, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, वार्शल मैंने इसके यहाँ रखी है, और उसके बाद हमने लगाना है लॉक, जो कि हमने पहले इसको खोल लिया था। तो इस टाइप का इसको लॉक मिलेगा आपको, तो इसको प्लास की मदद से आपने इसको अच्छे से लगा लेना, जिसकी वजह से ये जो क्या काम आएगा, ये जो किला सा हमने जो लगाया है, पार्ट जो लगाया, वो आपका बाहर नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से अच्छे से ये होल्ड हो जाएगी यहीं पर अच्छे से एकदम। तो चलिए एक बार मैं इसको लगा लेता हूँ अच्छे से, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। तो इसी टाइप से आपने करना है, अपने बाइक में लगाना है ये पार्ट लगाना है, ताकि किक की लूजिंग प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना आए बाइक चलाने में। तो देख सकते हैं, मैंने लॉक को भी लगा लिया, उसके बाद हमने इसको फिट करना है सीधा। तो अच्छे से साफ़ करने के बाद आप फिट कर लीजिए। तो फिट कैसे करना है वो बता देता हूँ आपको।
तो फ्रेंड्स आसान सा है बिल्कुल, आपने सीधा इसके एंगल पे लगाना और इसको अंदर की तरफ पुश करना, जिसकी वजह से ये बिल्कुल एकदम फिट हो जाएगी। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से फिट कर लिया और 10 नंबर का जो नट है वो लगा लिया है। तो आप बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम इसको लगाने में नहीं आएगी आपको, बिल्कुल आसान सा काम है इसको लगाना, बिल्कुल जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया बिल्कुल आप भी फॉलो कीजिए और किक की जो प्रॉब्लम है उसे सोल्व कीजिए प्लीज़, क्योंकि आपके गिरने का चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे इसके अंदर। तो आप अच्छे से इसको सोल्व कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से आप दबा रहा हूँ तो ये देखिए आगे जाके लॉक हो जा रही है। देखिए तो कैसे लॉक होती है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए इसको मैंने यहाँ रखा और इसको मैंने नीचे किया तो बिल्कुल लॉक हो रही है, देखिए इस टाइप से लॉक होनी चाहिए आपकी किक बिल्कुल, तभी अच्छे से काम करेगी, होल्ड करेगी खुद को। तो देख सकते हैं मैं इसको अगर मान लीजिए ऐसे करूँ तो ये देखिए अपने आप ये यहाँ जाके लॉक हो जाएगी। तो प्लीज़ अपने बाइक में ये लगाएं, बिल्कुल सेफ्टी की चीज़ है और आपको बाइक चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, किक मारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।